हेलो दोस्तों, मैं अतन उदास और आज मैं आपको थोड़ा सा ग्रिप का टिप्स दूंगा जो कि उम्मीद करता हूं आपको काम आएगा। और सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए आप कि ग्रिप कैसे पकड़ना है। तो नॉर्मली बहुत किसी का सवाल रहता है कि ग्रिप ऐसे अंदर पकड़ना है या बाहर पकड़ना है, या कैसे, कहां नीचे तरफ प्रेशर देना है या ऊपर तरफ प्रेशर देना है या कैसे करना है। तो ये चीज का सॉल्यूशन है, सबसे पहले एकदम चीजों को सिंपल रखें। जितना सिंपल रखेंगे आप उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले ऐसे करके पकड़े ग्रिप ऐसे पकड़ लिए बस। अब जो यहां पे ये जो यहां का जो पॉइंट है, ये सीधा पॉइंट होता है यहां, ये पॉइंट और ग्रिप का सेंटर होता है ये दोनों पॉइंट मैच होना चाहिए और एग्जैक्टली सेम जगह ही रहना चाहिए। कोई ऐसे ना हो उसको भी, उसके लिए आपको अपना थंब को थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा ताकि वो बार बार प्रेशर ऐसे ना जाए। बहुत किसी का मिस्टेक रहते हैं कि ग्रिप रहते रहते ऐसे हो जाते हैं, ग्रिप एंकर के बाद धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रिप ऐसे अच्छा से पकड़ना है, ऐसे रखना है और थंब को थोड़ा सा एक्टिव रखना है। और आप देख सकते हैं कि ये फिंगर जो है मेरा इसके नीचे है। बहुत किसी का नहीं भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम जितना होगा डिस्टेंस उतना अच्छा है। लेकिन बहुत किसी का ऐसे हो जाता है, वो अच्छा नहीं होता। उसके वजह से कभी कभी यहां पे एरो लग के भी जा सकते हैं। तो अब देखिए, ऐसे रखना है ग्रिप, ये रखा, थंब को थोड़ा सा एक्टिव और ये ड्रॉ। इसमें आपका कभी भी कोई भी मूवमेंट होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, चाहे बारिश हो या पसीना हो, कोई से भी सिचुएशन में आपका मूवमेंट बहुत कम रहेगा। अभी देखिए आगे, कोई से भी सिचुएशन में आपका मूवमेंट बहुत कम रहेगा। अभी देखिए आगे, जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी सबका अलग अलग होता है, तो सबका अलग अलग पोस्चर भी होते हैं और सबका अलग अलग ग्रिप भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ एग्जैक्टली वही चीज सबको फॉलो करना है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि ये छोटा छोटा चीज आप फॉलो करोगे तो आप आगे अच्छा कर पाओगे। तो अब देखिए, जैसे कि आप देखें मेरा ग्रिप बहुत स्टेबल था और फॉलो थ्रू के टाइम भी एकदम रिलैक्स था और सीधा पॉइंट टू द पॉइंट था। तो ये सारा छोटा छोटा चीप टिप्स आप अप्लाई करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। थैंक यू।